गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम लोग हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में 143 क्वेश्चंस वहां पे कर चुके थे। आज लास्ट लेक्चर है हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स का, 144 में। आपको ना एक टाइप से एक वॉल रूम दिया था, और रूम है अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दिया था, और अंदर एक हीटर जल रहा था। और उसका रेजिस्टेंस 20 ओम कुछ दिया था और 200 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया था। और ये जो आपको वॉल दे रखी थी इसका एरिया दिया था, और इसकी थिकनेस दे रखी थी, और थर्मल कंडक्टिविटी के ये दे रखी थी। तो स्टेडी स्टेट में आउटसाइड टेम्परेचर पूछा था तुमसे, क्वेश्चन समझ में आ गया? प्ले बताओ। रूम के अंदर एक हीटर जल रहा है, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, और वॉल का एरिया, थिकनेस और थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है, और रूम के अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो आपको स्टेडी स्टेट में रूम के बाहर का टेम्परेचर निकालना है, और वो मान लो थीटा है, अब तुम ये बताओ कि पर सेकंड जितनी हीट प्रोड्यूस होगी पर सेकंड उतनी बाहर चली जानी चाहिए ना, बस ये होनी चाहिए। क्यों कैलकुलेशन ये नहीं होनी चाहिए, बता, पर सेकंड प्रोड्यूस्ड जी सर। क्यों? हीट प्रोड्यूस्ड इक्वल टू हीट ट्रांसमिटेड क्यों? पीयूष समझ में आ रहा है? यस यस सर। ये हुआ ना बेटा, ऐसे ट्रांसमिट कर जाएगी ना, अंदर से बाहर को ट्रांसमिट कर जाएगी ना। अब ये बताओ पर सेकंड जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम पावर कहते हैं ना, और पर सेकंड जो हीट ट्रांसफर होती है उसको हम हीट करंट कहते हैं, और हीट करंट, पहले पावर देखो, पावर की वैल्यू V² / R होती है, और हीट करंट की वैल्यू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस होता है, और टेम्परेचर डिफरेंस यहां पे तुम्हें 20 - थीटा दिख रहा होगा, और थर्मल रेजिस्टेंस L / kA होता है, और L यहां पे थिकनेस ऑफ वॉल होगी क्यों? बता टीएम, एल यहाँ पे थिकनेस ऑफ वॉल होगी ना, तो ये वाली इक्वेशन लगा लेना, बस हो गया। V² / R की जो जी सर। वैल्यू है वो 20 - θ/T/kA हो गया क्यों? तो यहां से तुम थीटा फाइंड कर लेना, बाकी सारी चीजें तो दे रखी है ना। तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि पर सेकंड जितनी हीट प्रोड्यूस होगी पर सेकंड उतनी ही ट्रांसमिट हो जाएगी, और पर सेकंड जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम पावर कहते हैं, और पर सेकंड जो हीट ट्रांसफर होती है उसको हम हीट करंट कहते हैं, और पावर का फॉर्मूला होता है V² / R, और हीट ट्रांसफर का जो होता है, मतलब हीट करंट जो कह लो, उसका होता है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, और थर्मल रेजिस्टेंस होता है L / kA, ये कह लो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। एक्चुअली मैं जानबूझ के ना फॉर्मूले इसलिए भी बोल देता हूँ ताकि जो है तुम्हें एक बार रिवीजन भी हो जाए फॉर्मूले वगैरह ना। ये एक बुलेट दे रही है, ठीक है,
और ये वी वेलोसिटी से कहीं आ रही है और ये कहीं टकराती है, और ये कहता है कि जो 25% इनर्जी है वो ऑब्स्टिकल ले लेता है, ये हो गया मतलब। और जो बुलेट है वो जस्ट मेल्ट करती है, तो इसकी फिजिक्स सीख लेते हैं बस, बाकी जो एक चीज अननोन होगी इसकी फिजिक्स क्या है। अब देखो 25% ऑब्स्टिकल ने रखा, तो इसका मतलब 75% बुलेट ने रखा, क्यों नहीं है 75% बुलेट ने रखा, और 75% का मतलब 3/4 हुआ ना एक तरीके से, तो एक बात बताओ ये ऐसे होगा 3/4 ऑफ हाफ mv² इक्वल टू, एक तो उसका टेम्परेचर राइज होगा ms डेल्टा थीटा, और फिर उसके बाद वो जस्ट मेल्ट कर गया m इंटू एल। बता पीयूष इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई, ट्वेंटी यस फाइव सर। परसेंट ऑब्स्टिकल ने रखा तो 75% क्या हुआ बुलेट ने रखा, और 75% का मतलब 3/4 हो गया ना, ठीक है तो 3/4 तो अब हाफ mv² क्या हो गया एम एस डेल्टा थीटा और एम एल। ठीक, अब बस यहाँ पे ये ध्यान रखना ये जो डेल्टा थीटा होगा ये क्या होगा, देखो थीटा जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, थीटा मेल्टिंग पॉइंट माइनस थीटा इनिशियल, टीएम समझ में आया। जी सर, लेकिन अगेन मैंने तुमसे कहा इस टाइप की इक्वेशन में यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कैलोरी मिर्ची में वो कैलोरी वगैरह लेते हैं ना, अगर तुमने देखा होगा जो है, ठीक है, और जबकि यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे नॉर्मली हम लोग जूल लेते हैं और इधर हम लोग क्या लेते हैं कैलोरी लेते हैं, तो वो जरा ध्यान रखना यूनिट का बहुत ध्यान रखना। जैसे अगर मैं मान लीजिए मास कैंसिल कर रहा हूँ सपोज करो पूरी इक्वेशन में, तो फिर तुम्हें ये जो स्पेसिफिक हीट है या फिर लेटेंट हीट है ये सब ऐसे यूनिट में लिखनी पड़ेगी, और उसके बाद ये जो वी है ये भी ऐसे यूनिट में लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है टीएम क्या कह रहा हूँ मैं, कि अगर मैं पूरी इक्वेशन में मान लो मास को कैंसिल कर रहा हूँ तो फिर तुम्हें स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट वो तुम्हें ऐसे यूनिट में लिखनी पड़ेगी, और इधर वी भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा ऐसे यूनिट में लिखना पड़ेगा, तो यूनिट का बड़ा ध्यान रखना इस टाइप की इक्वेशन में, नहीं तो आंसर गड़बड़ आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं 146। इसमें कुछ ऐसा था कि एक सॉलिड स्फीयर था और एक हॉलो स्फीयर था और सब आइडेंटिकल कंडीशंस थी बिल्कुल, जैसे दोनों की रेडियस सेम है, एक ही मटेरियल का बना हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर सेम है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर सेम है, सब सारी आइडेंटिकल कंडीशंस थी, तो तुमसे कहता है कि कौन सा स्फीयर जल्दी कूल होगा। ठीक, विच स्फीयर विल कूल एट फास्टर रेट। इसमें हम लोगों ने जो एक्सप्रेशन डराइव किया था ना तुम्हें याद होगा रेट ऑफ कूलिंग का, रेट ऑफ कूलिंग वो कुछ ऐसे आता ना ER सिग्मा ए अपॉन एम एस टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, बता इस टाइप का एक्सप्रेशन आता है रेट ऑफ कूलिंग का। टीएम याद आ रहा है जी सर, ER सिग्मा ए अपॉन एम एस टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, ए यहाँ पे सरफेस एरिया है, ER यहाँ पे एमिसिविटी है, सिग्मा यहाँ पे स्टीफेंस कांस्टेंट है,
एम मास हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गई एस, टी बॉडी का टेम्परेचर, और टी नॉट एटमोसफेयर का टेम्परेचर। तो रेट ऑफ कूलिंग जरा देखना प्रोपोर्शनल टू 1/m आ रही है, बाकी चीजें तो सेम है ना। अगर तू देखेगा देख, ई आर सिग्मा ए एस टी और टी नॉट, ये दोनों स्फीयर के लिए सेम है कि नहीं होता, यस सर। ये हो गया। अब सिंपल सी बात है कि हॉलो का मास कम होगा, क्यों? मास हॉलो लेस देन मास सॉलिड, इसका मतलब हॉलो जल्दी कूल होगा, बस हो गया। देयरफॉर रेट ऑफ कूलिंग ऑफ हॉलो ग्रेटर देन रेट ऑफ कूलिंग ऑफ सॉलिड, ये हो गया। क्लियर हो गया? ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 147। दो मोल दे रखे हैं, मोनो एटॉमिक गैस दे रखी है, 27 डिग्री सेल्सियस पे दे रखा है, और वॉल्यूम तू ले जाते हो वी से लेके 2V तक ले जाते हो, और एडियाबेटिक प्रोसेस में, एक तो तुम्हें टी फाइनल निकालना है, एक डेल्टा यू निकालना है, और एक वर्क डन निकालना है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। 2 मोल्स मोनो एटॉमिक के 27 डिग्री सेल्सियस पे हैं, और वॉल्यूम को तुम वी से 2V ले जा रहे हो एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो आपको फाइनल टेम्परेचर डेल्टा यू और डब्ल्यू निकालना है। अब एक सिंपल सी बात बताओ कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हम टीवी इक्वेशन लिख चुके हैं ना, पहले तुम्हें याद होगा टीवी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्यों याद आ रहा है? और यहां पे गामा मोनो एटॉमिक का कितना होता है, 5/3, क्यों मोनो एटॉमिक का? तो इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, टी इनिशियल वी इनिशियल की पावर 5/3 - 1 मतलब 2/3 इक्वल टू टी फाइनल वी फाइनल इसकी पावर 2/3। कोई डाउट? और नो डाउट सर। टी इनिशियल कितना है, 300 केल्विन है, क्यों टी इनिशियल कितना है, 300 केल्विन, और वी इनिशियल कितना है, वी, और V फाइनल कितना है, 2V। तो यहां से T फाइनल निकाल लोगे ना, यस सर। ये हो गया। अब देखो एडियाबेटिक प्रोसेस में तुम जानते हो Q की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब W प्लस डेल्टा U 0 होगा, तो डेल्टा U माइनस W के इक्वल होगा, क्यों? और डेल्टा यू का मैं एक ही फॉर्मूला जानता हूं ना, क्या, एन सी वी डेल्टा टी। अब नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं 2, और मोनो एटॉमिक का सी वी होता है 3/2R, और डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टीएम निकाल लेगा, जी सर। हो गया ना। उसके बाद ये कौन सा क्वेश्चन था यार, ये 147 था, 148 था, ये 44 45 46, अच्छा 46, चलो क्या फर्क पड़ना क्वेश्चन नंबर से ना। अब चलते हैं 148। एक तुम्हें साइक्लिक प्रोसेस दे रखी थी, और इसमें 4 प्रोसेस थी,
सीधे कंसेप्ट ही बता रहा हूँ, Q1, Q2, Q3, Q4, W1, W2, W3, ये सब दे रखे थे तुम्हें। एक तो तुम्हें W4 निकालना था और तुम्हें एक इस साइकिल की एफिशिएंसी निकालनी थी। एफिशिएंसी ऑफ साइकिल कितनी होगी ये फाइंड करनी थी। अब सुनो, साइक्लिक प्रोसेस में तुम्हें याद है कि डेल्टा यूनिट ये जीरो होता है, क्यों? यस सर। क्यू नेट की वैल्यू डब्ल्यू नेट होती है, और क्यू नेट का मतलब क्या हो गया, डब्ल्यू वन से लेके डब्ल्यू फोर तक, मतलब डब्ल्यू नेट की बात कर रहा हूं, डब्ल्यू नेट का मतलब ये हो गया, और क्यू नेट का मतलब क्या हो गया, क्यू वन से लेके क्यू फोर तक, क्यों? जी सर। तो बस हो गया, 8 में से 7 क्वांटिटीज तुम्हें नोन है, क्यों? 8 क्वांटिटीज में से 7 क्वांटिटीज नोन है, तो यहां से डब्ल्यू फोर निकाल लोगे। यस सर। समझ में आया, डब्ल्यू फोर है। उसके बाद एफिशिएंसी का तुम्हें कंसेप्ट मालूम होना चाहिए बेटा। जो है एफिशिएंसी क्या होता था, एफिशिएंसी में डब्ल्यू तो नेट आता था, नेट कितना वर्क किया तुमने, और अपॉन समेशन क्यू, केवल पॉजिटिव जितना होता था वो एफिशिएंसी होती थी। समझ गए ना, जैसे क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर में से जो भी पॉजिटिव हीट है उसको तुम देख लेना जो है, और इनटू 100 कर दोगे तो वो परसेंटेज में आ जाएगी। टीएम बता, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बता, जो है कि एफिशिएंसी क्या होगा, कि वर्क तो तुम लोगे नेट वर्क डन, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में क्या रखोगे, टोटल जो पॉजिटिव हीट है, बस केवल पॉजिटिव हीट, Q1 Q2 Q3 Q4 में से जो भी पॉजिटिव हीट होगी वो रखोगे, बस हो गया, इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 150। क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे हो गया, पता नहीं क्या कर। यहाँ पे मैंने 149, अच्छा 149 ये है। ये क्या होता है ना, सरकार की जो समस्या है, मतलब मान लो आपको गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम है ना, तो उसके लिए एक पोर्टल बनाया हुआ है सरकार ने, पीजी पोर्टल करके, है ना, तो उसमें जो है आप वो डालो तो उसमें रिस्पॉन्स आता है, और फिर उनकी एक अलग से ना सपोर्ट टीम भी है, तो अभी कॉल कर रही है मेरे को जो है, लेकिन मतलब यहाँ पे मैं वो कर रहा हूँ, ये यूट्यूब में भी जाएगा जो है ना, पीजी पोर्टल को मैं तो प्रधानमंत्री जी और उन लोगों से कहता हूँ इसको ना बंद कर देना चाहिए, बर्डन है जो है, कुछ नहीं करते वो लोग, सही बता रहा हूँ तुम्हें, कहने को उन्होंने कई टीयर बना रखे हैं कि एक जगह तुम्हें सॉल्यूशन नहीं मिला तो उसके ऊपर अपील कर सकते हो, वो नहीं होगा तो दूसरी जगह होगा, है ना, लेकिन कुछ नहीं होता, बस फाइल सरकाते हैं इधर से उधर, वो कहते हैं नहीं नहीं मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है, दूसरे डिपार्टमेंट का है, वो दूसरा नहीं वो तीसरा हो जाएगा, है ना। मैंने, यू विल नॉट बिलीव, अभी एक प्रॉब्लम थी उसके लिए मैंने मतलब प्राइम मिनिस्टर को, मतलब पहले तो मैं पीजी पोर्टल में काफी ऊपर तरा, उसके बाद मैंने लेटर्स भेजी प्राइम मिनिस्टर को, मतलब जो है प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर भेजी, कई लोगों को, और जो कंसर्न मिनिस्ट्री थी उनको भी लेटर भेजी, है ना, और कहने को पीएमओ से वहां से भी हो गया कि मतलब इसका रिप्लाई दो, और फिर वो वही फाइल सरकार ना कि नहीं उसको जो है ना फिर वहां से वहां कर दो जो है, ठीक है, ये मेरे डिपार्टमेंट का नहीं ये वो देखेगा, ये उसके डिपार्टमेंट का नहीं ये उसका देखेगा, जो मतलब इतना ज्यादा यार मैं तो सरप्राइज करता हूँ कि कैसे मतलब हमारा चलता है देश, मतलब कई बार जो है, और फिर पीछे से फीडबैक के लिए परेशान कर देंगे, फोन भी लगे कि बताइए हमारा पीजी पोर्टल कैसा है ये है, मैं तो हमेशा कहता हूँ आप इसको बंद कर दो जो है पीजी पोर्टल को, अननेसेसरी आप लोगों को करते हो, है ना, सरकारी तंत्र को भी आप इस्तेमाल करते हो,
और दूसरों को आप झूठी जो है वो देते हो जो है, तो वही अभी पीछे से फोन आ रहा था इसलिए कह रहा था जो है। ठीक है अब चलते हैं 149। इसमें ना 100 ग्राम वाटर था, मैं तो टीएम सही बता रहा हूँ। मेरे को ना एक तूने नायक पिक्चर दी थी, नायक नायक देखी तूने? जी सर। हाँ, तो बस मेरे को केवल 1 महीने के लिए प्रधानमंत्री बना दो, क्योंकि मेरे को कोई अपने से कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को कुर्सी से चिपके रहना है वो करना है, बस मुझे केवल 1 महीने के लिए कोई प्रधानमंत्री बना दे, बस हो गया है ना। मैं सही बता रहा हूँ, पूरा सिस्टम सही कर दूंगा जो है। एक तो सारी मिनिस्ट्री को जो है ना, पूरी मिनिस्ट्री जितने भी हैं सबको बुलाया, एक साथ बुलाया, और मीडिया को भी बुलाऊंगा उस दिन है ना, कि मीडिया भी आओ आप रिकॉर्डिंग करो जो है, और हर किसी कह रहा हूँ बताओ पूरा। और हमें ना कई बता रहा हूँ मैं तुम्हें जो है, हमें ग्रास रूट लेवल से चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल बेसिक से जो है। मतलब मैं तो कई इस चक्कर में कई बार पढ़ा रहता ना, अभी मैं हाई कोर्ट भी गया था, खुद मैंने अपनी रिट फाइल की है हाई कोर्ट में है ना। वहां पे तू मतलब कई बार हम देते हैं ना, कहते हैं जो कह देते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, नहीं कहते किसी को धमकाना हो तेरे को जो है, टीएम तूने सुना होगा ना जो है, किसी को धमकाना हो तो नहीं कहते आई विल सी यू इन द कोर्ट बेटा जो है ना। लेकिन तू आगे कभी होगा ना तो ये मत, किसी को धमकाना मत बेटा जो है, बेटर ये है कि किसी हाथ पैर जोड़ के ना उससे वो कर लेना जो है। तू वहां पे जाएगा ना, इतना ज्यादा वो है मतलब जो है, कि जैसे कई बार तूने देखा होगा ना मंदिर मस्जिद या उसमें जो है, मंदिरों में भी होता है कई बार, नहीं होता कुछ मंदिरों में क्या होता है कि तूने देखा होगा कि वो पता लगा ना वहां पे धागे लटका देते हैं या वो कर देते हैं कि मेरी मन्नत पूरी होगी, देखा है ना तूने, देखा होगा कई बार जो है, क्यों नहीं है, या घंटी लटका देते हैं जो है। तो सही बता रहा हूँ, कोर्ट के भाई साहब वही हाल है, और इतना ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना रखा है ना, इतना कहने को क्या कर रखा है, कहने को उन्होंने ये बोला हुआ है कि आम आदमी भी फाइल कर सकता है, रिट पिटीशन फाइल कर सकता है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप फाइल करके देखो बेटा, उसमें जो है इतना कॉम्प्लेक्स बना रखा है, और एक छोटा सा केस होगा ठीक है उसके लिए क्या कर रखा है, 100 100 पेज लगाने होंगे जो है। अब यार जज साहब भी क्या करेंगे बता, 100 पेज पढ़ेंगे वो बेचारों को सुबह से शाम तक कितने केस वो करने होते हैं, तो ये बता 100 पेज पढ़ेंगे क्या ये बता जो है, क्यों नहीं ये बता जो इससे अच्छा है, फिजिक्स पढ़ लें सर, है? इससे अच्छा फिजिक्स पढ़ लें। हाँ नहीं मैं उसका मैं बताऊं उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है जो है। आप एक बात बताओ कि जैसे ना, जैसे मैंने कोई अगर मान लो जो है मैंने केस दायर किया तो मैं पिटिशनर कहलाता हूँ जो है ठीक है, और तेरे खिलाफ किया तो तू रिस्पोंडेंट हो गया जो है ठीक। अब तू एक बात बता कि मेरे को मान ले तूने मेरे को थप्पड़ मारा जो है, ध्यान से देख जो है ठीक है, या मेरे को जो है कोई तेरे से प्रॉब्लम है जो है, तो होना क्या चाहिए कि ब्रीफ में है ना, ब्रीफ में आप डिस्क्रिप्शन लिख दो बस हो गया ठीक है, कि भाई इसने यहाँ यहाँ पे इस उस पे मिला था, इसने मेरे को थप्पड़ मारा, और यहाँ पे ये लोग थे, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा था, ये था, बस दैट्स ऑल ठीक। तो अब क्या हुआ कि मैंने कोई एप्लीकेशन फाइल की तो तेरे पास जाएगी जो है, समझ गए ना, मान ले मैंने 10 पॉइंट लिखे, उसमें क्या होगा जज साहब का भी टाइम बचेगा, अगर तुम देखोगे तो उनका टाइम भी तो बचेगा कि नहीं बचेगा जो है, और कोर्ट में अगर कोई चीज आप कह रहे हो तो ये तो मान के चलोगे कि आप झूठ नहीं कह रहे होगे ना, क्यों भाई अगर मैं झूठ दे रहा हूँ मान लो 10 पॉइंट में झूठ दे रहा हूँ क्यों, तो मेरे को जेल नहीं हो जाएगी बता जो है। 10 पॉइंट पे मैंने ब्रीफ कह दिया कि मैं 10 बजे वहां पहुंचा था, और वहां पे टीएम मेरे को मिला, और वहां पे ये झगड़ा हुआ, और उसने मेरे को थप्पड़ मारा, ये है वो है, 10 पॉइंट लिख दिए बस ठीक। अब क्या होता है कि मैंने पिटीशन फाइल की तो वो तेरे पास आएगी जो है कि भाई डीसी पांडे जी ने टीएम के खिलाफ ये लगाई है, आप बताइए आपका कुछ कहना है ठीक। अब मान ले उसमें से तूने मेरे को 3 4 पॉइंट मान लिए सपोज कर ठीक है, तूने कहा हाँ ये 1 वाली बात सही है इनकी, 2 वाली बात सही है, 5 वाली बात सही है ठीक है, लेकिन 6 और 7 से मैं एग्री नहीं करता जो है मान ले सपोज कर जो है, क्यों। अब तू ये बता कि स्टार्टिंग में जब हमारा केस चल रहा है तो उसमें 1 2 3 4 के उसमें जो है उसके सपोर्ट में पेपर लगाने की क्या हो सकता है, तू ये बता दे वो बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, खुद सोच जो है भाई, मैंने कहा कि ये है, तूने 1 2 3 पॉइंट मान लिए सपोज कर, तूने एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ ये सही कह रहे हैं जो है ठीक है, लेकिन मैं 5 और 6 से कन्विंस नहीं हूं जो है इनके ठीक, ये पॉइंट वो नहीं है, तो देखा जाए तो हमें बाद में सेकंड स्टेज में जो है केवल वही पेपर वो करने चाहिए ना फिर डॉक्यूमेंट्स, क्यों अगर मान लो कोई 2 लोग मान रहे, क्योंकि उससे क्या होता है ना लोड बढ़ जाता है मतलब जो है, 100 100 पन्ने की 200 200 पन्ने की पिटिशन होती है, और उसके बाद तूने देखा भी होगा डिसीजन आने में कितना वो होते हैं, 5 5 हज़ार पेज के डिसीजन आते हैं बेटा जो है, क्यों नहीं बता जो है। तो मेरे हिसाब से अगर उसको आप शॉर्ट कर दोगे ना, ब्रीफ में कर दो जो है, तो ज्यादा केस और फास्ट तरीके से हो जाएंगे,
लेकिन हमारी समस्या यह है कि हमारा यहाँ पे ना सरकारी विभाग में एक पेन भी खरीदना होगा तो उसमें पूरी फाइल चलेगी, और वही इतना कॉम्प्लिकेटेड है। तो सिस्टम पहली बात तो कोई सुधारने की नहीं सोचता, पर अगर कोई सुधारेगा तो फिर उसके लिए सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप सुधार ही नहीं सकते। चल खैर, अभी वो पीछे से फोन आ रहा था ना तो मैं थोड़ा बहक गया। तो 100 ग्राम वाटर है और ये 24 डिग्री सेल्सियस पे बेटा है। और इसको तुम ले जा रहे हो ना 90 डिग्री सेल्सियस पे ले जा रहे हो, ठीक है। और इसमें तुमने स्टीम पास कर रहे हो, एम मास की कह लो, जो 100 डिग्री सेल्सियस पे थी। तो तुमसे कहता है एम की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? 100 ग्राम वाटर 24 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस ले जाते हो, स्टीम का मास एम है जो 100 डिग्री सेल्सियस पर थी, तो मास कितना होगा स्टीम का। अब ये बता, इसमें कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम में एक ही इक्वेशन तो लगती है ना, क्यू गिवन इक्वल टू क्यू टेकन, क्यों? अब ऑब्वियस ही बात है, जो ज्यादा टेम्परेचर है वो क्यू गिवन की कैटेगरी में आएगा। अब ये बता, एम मास की स्टीम पहले तो कंडेंस होगी, तो इसका मतलब क्यू गिवन में कितना आएगा बता, एम इंटू 540 आएगा ना, यहाँ पे तेरे को याद होगा ना 540 आता है। और जी सर, उसके बाद ये 100 से 90 पे पहुंचा है, क्यों? तो इसका मतलब प्लस एम, वाटर का एस तुम जानते हो कि 1 होता है, और डेल्टा थीटा हो गया 100 माइनस 90, और क्यू टेकन में ये आ गया, तो ये कितना हो गया एम एस और डेल्टा थीटा कितना हो गया 90 माइनस 24। बता कोई डाउट है? नो डाउट सर। अच्छा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज मैंने पूरा ना कैलोरी वगैरह में लिया हुआ है, यहाँ पे जूल वगैरह मैंने कुछ किया ही नहीं, सब कैलोरी वगैरह चल रहा है ना। जैसे तेरे को याद होगा यहाँ पे एम हम ग्राम में लेते हैं, ये कैलोरी पर ग्राम होता है, ये कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, ये ग्राम में होता है, ये ग्राम हो गया, ये कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस हो गया, एंड सो ऑन कैलोरीज हो गया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। नेक्स्ट चलते हैं 150। तो बेटा आगे से तुम लोग ये मत कहना आई विल सी यू इन द कोर्ट। इसमें ना कुछ इस टाइप से था, देख ये भी मैंने बता रखा, कंसेप्ट बता दे रहा हूँ उसी। मास ऑफ कंटेनर दिया होगा, स्पेसिफिक ऑफ कंटेनर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर, ठीक है। ये टेम्परेचर का फंक्शन थी और वो ए प्लस बी टी कुछ दे रखे थे, इसमें ए और बी सब दिए होंगे ध्यान रखना, और मास ऑफ लिक्विड दिया होगा और स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड दे रखी होगी, ठीक, लेकिन ये कांस्टेंट दी होगी। तो तुम्हें क्यू निकालना है, टी इनिशियल से टी फाइनल तक ले जाना है। क्वेश्चन समझ में आ गया कुछ? कंटेनर का मास दिया होगा, कंटेनर की स्पेसिफिक हीट, टेम्परेचर का फंक्शन दे रखी है ए प्लस बी टी, और उसके अंदर एक लिक्विड दिया हुआ है, उसका मास दिया होगा और उसकी स्पेसिफिक हीट दे रखी होगी, कांस्टेंट है। तो तुम्हें हीट निकालनी है, टेम्परेचर टी इनिशियल से टी फाइनल तक ले जाना है। तो एक बात बताओ, क्यू क्या होगा? एक तो क्यू लिक्विड प्लस क्यू कंटेनर, ये हो गया। अब देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड कांस्टेंट है, तो इसमें तो सीधे सीधे लग जाएगा ना, एम लिक्विड एस लिक्विड टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। लेकिन यस कंटेनर की स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर का फंक्शन है, तो क्यू तुम इंटीग्रेशन से निकालते हो, याद है? एम कंटेनर एस कंटेनर डी टी, टी इनिशियल से टी फाइनल,
ये हो गया, बस हो गया। और एस कंटेनर ये दे ही रखा है, यहां से क्यों निकाल। टीएम समझ में आ गया। जी सर। लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है तो सीधे लगाओगे एम एस डेल्टा थीटा, और कंटेनर की स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर का फंक्शन है तो उसको फिर इंटीग्रेट करके निकालोगे। क्यों? ये हो गया। अच्छा वो मैं कई बार कह ही चुका हूं कि यहां पे तो डेल्टा थीटा वर्ड आता है ना बेटा, ये वाला, ये मैं कई बार बता चुका हूं, ये और ये। अब इसको तुम डिग्री सेल्सियस में लिखो या केल्विन में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं ये तो कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, केल्विन में करो या डिग्री सेल्सियस में लिखो, डिफरेंस अगर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 151। इसका भी कंसेप्ट मैंने बता रखा है कभी, तुम्हें याद होगा। इसके अंदर गैस है और ये वी स्पीड से जा रही है और इसको सडनली रोक देते हो, तो इसका ना डेल्टा टी में कितना टेम्परेचर वो होगा। अब तुम एक बात बताओ ना, जैसे ये मान के चलो कि मान लो ये V से जा रहा है सपोज करो, हाँ, और फिर ये रुक जाता है, तो एक तरीके से देखा जाए तो जो हाफ एम वी स्क्वायर होती है ये बता, यही क्यू में बदल जाएगी, ये नहीं बदल जाती बता, क्यों ये बता। इस वाले में अगर करेगा तो तेरे को समझ में आ रहा होगा ना, आराम से ये बता, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बता, जो है कि इस वाले में अगर तू देखेगा तो हाफ एम बी स्क्वायर क्यू में बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है बता, जो है वही तो हीट बन जाती है। ठीक है, सेम कंसेप्ट तुम यहां पे लगा सकते हो कि जो हाफ एम बी स्क्वायर है वो क्यू हो जाएगा, और क्यू तुम जानते हो डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होगा, लेकिन डब्ल्यू यहां पे जीरो होगा, और वो इस वजह से बिकॉज ये क्लोज है ना बेटा, ये तो वॉल्यूम ऑफ गैस कांस्टेंट है कि नहीं बता। यस सर। ये बता वॉल्यूम ऑफ गैस कांस्टेंट है, ये तो जीरो आ गया वर्क डन। और डेल्टा यू का मैं एक ही फॉर्मूला जानता हूं, एन सी वी डेल्टा टी। अब नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं जरा बताओ, मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास, क्यों नहीं है नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक, अगेन फिर ये एम और एम कैंसिल हो गया, ये हो गया, और सी भी फिर तुम्हें डिपेंड करेगा कि कौन सी गैस है, जैसे अगर इसमें मोनो एटॉमिक दी हो तो फिर सी भी के लिए तुम लोग 3/2 R लिखोगे, बस हो गया। तो यहां से डेल्टा टी निकालोगे। टीएम कंसेप्ट समझ में आया कि गैस मॉलिक्यूल्स में जो हाफ बी स्क्वायर की एनर्जी थी वो क्यू में चेंज होगी, और क्यू का मतलब डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, और W इसलिए जीरो होगा बिकॉज कंटेनर क्लोज्ड है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, और डेल्टा U का हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं एन सी बी डेल्टा टी, और यहाँ पे दोनों साइड में जो स्मॉल m है वो मास ऑफ द गैस है, यहाँ ध्यान रखना बेटा, जो है स्मॉल m क्या है, यहाँ पे मास ऑफ द गैस है, टोटल गैस का जितना मास है। अच्छा यहाँ भी तुम्हें यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा फिर अगेन, क्योंकि तुम्हें याद होगा ना ये मॉलिक्यूल जो मास होता है बेटा इसको केजी में लिखते हैं हम लोग, याद है ना, तो यूनिट का बड़ा ध्यान रखना है तुम्हें। ये हो गया, अब चलते हैं 152। एक मेटल है ना,
इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट दिया हुआ है, और मेटल का मास दे रखा है 1 kg, और इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, और क्यू 2000 जूल दे रखा है। एक तो डेल्टा टी निकालना है तुम्हें, एक तुम्हें डब्ल्यू निकालना है, और एक तुम्हें डेल्टा यू निकालना है, और मेरे ख्याल से इस बाकी सब चीजें भी दे रखी होंगी, हाँ जो भी हमें चाहिए होंगी वो सारी की सारी चीजें तुम्हें दे रखी होंगी। अब देखो, क्यू को मैं एम एस डेल्टा टी लिख सकता हूं, बता। जी सर, वो यूनिट्स का ध्यान रखना है। अब ये बता, मास दिया होगा, स्पेसिफिक हीट दे रखी होगी, ठीक, तो यहां से डेल्टा टी फाइंड करना, बस हो गया। समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात, अब ये बता, डेल्टा वी इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं, ठीक। अब वी जो होगा वो मास अपॉन डेंसिटी, वो सब दिए होंगे यहां तुम्हें वैल्यू, चिंता मत करना, मास अपॉन डेंसिटी, और गामा ये 3 अल्फा होगा, अगर मान लो अल्फा दिया हुआ है तब, अगर गामा ही दिया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया, तो यहां से डेल्टा वी निकाल दिया। और ये बताओ कि अगर पी नॉट कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब जो वर्क डन होगा वो पी नॉट डेल्टा वी हो गया, बता। जी सर, ये हो गया, बस हो गया। अब बात रही डेल्टा यू कितना होगा, डेल्टा यू की वैल्यू क्यू माइनस डब्ल्यू कर देना, यस सर। ये आ गया, बस हो गया। समझ में आ गया क्या क्या करना है। क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी से पहले डेल्टा टी निकाल लेना, लेकिन यूनिट्स का ध्यान रखना है। डेल्टा वी इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी से डेल्टा वी निकाल लेना, और कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है तो इसका मतलब वर्क डन पी नॉट डेल्टा वी कर दोगे, और लास्ट में डेल्टा यू की वैल्यू क्यू माइनस डब्ल्यू कर दो। ये नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन 153। पॉइंट 0.05 kg स्टीम है, 373 केल्विन पे, इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस का, प्लस 0.45 kg आइस है 253 केल्विन पे, इसका मतलब -20 डिग्री सेल्सियस पे। तो तुम्हें फाइनल मिक्सचर टेम्परेचर निकालना क्या होगा, फाइनल मिक्सचर टेम्परेचर। क्या होगा, इसमें तुम एक काम करो जो है ना, इसको सबसे पहले तुम जीरो डिग्री सेल्सियस के वाटर पे ले जाते हैं, ठीक है, ठीक है टीएम, इसको मैं ले जा रहा हूं कि 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में ले जा रहा हूं, कितनी हीट हमें निकलेगी, Q 1 के ले। अच्छा, 0.05 kg का मतलब कितना हो गया, 50 ग्राम हो गया ना बेटा, क्यों, ठीक है। अब कितना होगा देख, एक तो ये 50 × 540 होगा, ml आ गया, प्लस 50 × ms डेल्टा थीटा, बता समझ में आया कि नहीं आया, जी सर, क्लियर। क्लियर हो गया ना। अब
0.45 kg का मतलब कितना हो गया, 450 ग्राम हो गया मेरे ख्याल से, क्यों? अब एक काम सर करते हैं कि इसको केवल मेल्ट होने पे देखते हैं जो है, ठीक है? केवल मेल्ट कर रहे हैं बस, हो गया। अच्छा ये जरा कैलकुलेट करके बता देना बेटा कितना आ रहा है, Q1 कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताना कितना आ रहा है। 5000 तो ये आ गया ना, देख 5000 तो वो आ गया, 50 × 540 +5000, 32000, सर 32000 कैलोरी आ गया, क्यों? सर अब देखो इसको अगर मैं मेल्ट करता हूं तो फिर कितना जो है हीट चाहिए, ठीक? तो देखो एम स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस तुम्हें याद होगा 0.5 होती है, इंटू डेल्टा थीटा का मतलब 20 हो गया, प्लस एम इंटू एल, बताइए समझ में आया? बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बता जो है जी सर। एम एस डेल्टा थीटा और वो, क्यों? एम एस डेल्टा थीटा और वो आ गया ना। अब इनको थोड़ा अलग अलग कैलकुलेट करके देखना है, ये कितना आ रहा है पहले तो देख, 10 4500 कैलोरी आ रहा है, क्यों? ये तो ये आ रहा है, ठीक। और जरा देखना बेटा ये कितना आ रहा है, अलग अलग बताऊंगा अभी क्यों कर रहा हूं मैं। 450, 36 36 हाँ 36000 ना, जी सर। अब ध्यान से देखना बेटा, देख जब ये 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, अभी वाटर में है, तो इसने 32000 कैलोरी हीट लिबरेट की। अब उसमें से 4500 ये तो इसको 0 डिग्री सेल्सियस में लाने पे लग गई, अब बची कितनी मेरे पास ये बता जो है, मेरे पास बची 32000 -4500, इसका मतलब 27500 कैलोरी बची, जी सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता जो है 27500 कैलोरी बची, ठीक। जबकि मुझे पूरा मेल्ट करने के लिए कितनी चाहिए, 36000 चाहिए, इसका मतलब पूरी मेल्ट नहीं हो पाएगी, मतलब आइस जीरो पूरी डिग्री नहीं होगी। हाँ तो इसका मतलब जो मिक्सर का टेम्परेचर होगा, मिक्सर टेम्परेचर कितना होगा बता जो है, मिक्सर टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, और 0 डिग्री सेल्सियस में कितना जो है बता, क्या क्या रह सकता है, आइस और वाटर रह सकता है। अब बात आती है कि वाटर कितना होगा ये भी देख लेते हैं, देख 50 ग्राम तो ये था, और कुछ मेल्ट होके भी आएगा ना, क्यों? 50 ग्राम ये था तो कुछ मेल्ट होके आएगा, तो ये कितना होगा बता, 50 ग्राम तो ये है। अब तू कहेगा मेल्ट होके कितना आएगा, देख 27500 कैलोरी हमारे पास बची थी अपॉन 80 कैलोरी पर ग्राम, ये हो गया, बस हो गया, क्यों? ये समझ में आया? तो मेल्ट करने के लिए हमारे पास कितनी बची थी, 27500 कैलोरी बची थी ना, अपॉन 80 कर देगा। अब बात आती है कि आइस कितनी होगी, मेरे पास टोटल मास कितना था पता जो है, टोटल मास 50 ये था, 450 ये था, तो इसका मतलब 500 में से, क्यों? 500 में से माइनस मास ऑफ वाटर लेस कर देना, पीयूष बात समझ में आई कि नहीं आई बता। 50 ग्राम स्टीम जब 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर तक पहुंचेगी तो तुम्हें 32000 कैलोरी हीट मिलेगी, ये हो गया। उसके बाद 450 ग्राम आइस -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक जब आएगी तो उसको 4500 कैलोरी हीट चाहिए, तो इसका मतलब 36000 में से 4500 तो ये निकल गई, सॉरी 32000 में से 4500 तो ये निकल गई, क्यों?
अब जो हमारे पास बची वो बची 27,500 कैलोरी, लेकिन पूरा मेल्ट करने के लिए हमें 36,000 कैलोरी हीट चाहिए थी। तो इसका मतलब आइस पूरा मेल्ट नहीं हो पाएगी, ठीक। तो मिक्सर का टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा और उसमें आइस और वाटर दोनों रहेंगे। कोई डाउट, कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? नहीं है ना। तो ये हमारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स खत्म हुआ विद 153 प्रॉब्लम्स, ठीक। अगले उसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। चलो फिर, थैंक यू एंड गुड डे, थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर।